सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए पुष्पांजलि वेदांग पीठ में आपका पुनः आज हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन रात्रि काल में होलिका दहन होगा। इसके लिए पंचांग के जो विवरण हैं वो यहाँ प्रस्तुत है। 17 मार्च के दिन फाल्गुन पूर्णिमा का जो प्रारंभ समय है वो दिन में 1:30 यानी 1:30 से है और संपूर्ण रात्रि में पूर्णिमा विद्यमान रहेगी। इसके बाद 18 तारीख को दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भद्राकाल दिन में 1:30 से है यानी कि पूर्णिमा जिस समय प्रारंभ होती है उसी समय भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन भद्राकाल जो है वो तिथि का आधा भाग होता है इसलिए रात को 1:03 तक भद्राकाल विद्यमान रहेगा। अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ होता है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं उनके जो प्रमाण हैं वो इस प्रकार से हैं, पूर्णमायाः पूर्वे भागे चतुर प्रहरस्य पंचघटी मध्ये भद्रायाम मुखे गेयम, यानी कि भद्रा का जो मुख है उस समय पे तो कदापि हमारे लिए होलिका दहन करना ही नहीं है। तो भद्रा का मुख कब आएगा, भद्रा का मुख आएगा क्योंकि 1:30 से पूर्णिमा प्रारंभ है, 3-3 के जो 8 हैं वो कितने होंगे, चौथा पहर करवाएगा 3 × 9, 9 बाद में जो है 14 पहर प्रारंभ होगा। तो जो भद्रा का जो मुख काल है वो 1:30 में आप 9 जोड़ लीजिए, वहां से प्रारंभ होगा और 1:30 में आप फिर 12 जोड़ लीजिए, वो भद्रा का मुख का अंतिम काल होगा। तो हमारे लिए रात्रि 10:30 से लेकर के और उसके आगे के जो 3 हैं यानी कि रात को 1:30 तक, इस अवधि तक हमारे लिए भद्रा का मुख रहने के कारण से किसी भी स्थिति में होलिका दहन नहीं करना है। अब दूसरा नियम क्या कहता है, तस्याम भद्रा मुखम तक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। निशा मुख माने, निशा माने रात्रि, मुख मतलब जिसमें रात्रि प्रारंभ होती है, यानी इसी को प्रदोष काल भी बोलते हैं। तो प्रदोष काल में हम यदि भद्रा का पुच्छ है तो हम होलिका दहन कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रदोष काल है वो शाम को सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और भद्रा का जो पुच्छ काल है वो रात को 9:08 से लेकर के और रात के 10:30 तक है। तो यानी कि रात को 9:08 से लेकर के और रात के 10:30 के बीच में भद्रा का पुच्छ काल है। तो ऐसी स्थिति में पुच्छ काल में हमारे शास्त्रों में होलिका दहन का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि भद्रा में हमारे लिए होलिका दहन क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि भद्रा काल में यदि होलिका दहन होता है तो देश में उपद्रव होते हैं, देश में विपत्तियां आती हैं और देश में कई प्रकार के रोग फैलने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए वर्तमान में विश्व में जो परिदृश्य चल रहा है, विश्व में जो युद्ध की स्थिति चल रही है, तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमें भद्रा काल में जो हमने बताया है उस अवधि में जो शुभ अवधि है भद्रा पुच्छ की, केवल उसमें ही होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत होगा, शास्त्रों के अनुसार उनकी आज्ञा के अनुसार शुभ होगा। और इसके बाद जो है क्योंकि रात्रि में 1:30 के बाद या 1:03 के बाद में भद्रा नहीं है, तो आप रात को 1:03 से लेकर के और सुबह सूर्योदय होने के पहले तक यदि होलिका दहन कर लेते हैं
तो वो क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। लेकिन जो जग सकते हैं जहां पर यह संभव है, तो वो रात को 1:03 के बाद, यानी कि आपके यहाँ की जो भद्रा है उसको हट जाने के बाद, यानी अगले दिन का सूर्योदय होने के पहले पहले वो जो है वहां होलिका दहन करते हैं, तो वो उसमें भद्रा काल नहीं होगा, वो मुहूर्त सबसे शुद्ध होगा। इस प्रकार से हमने शास्त्रों की जो आज्ञा है होलिका दहन के संबंध में वो आपके सामने प्रस्तुत की है। जयराम जी की, नमस्कार।